नमस्कार दोस्तों, मैं रत्न सर आप सभी का स्ट्रीट 91 में स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे मस्त होंगे। दोस्तों आज बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन लेके आया हूं, जैसा कि आप जानते हैं। दोस्तों आज हम लोग समझेंगे कि भाषा आखिर किस प्रकार से सीखी जाती है, किस प्रकार से बोली जाती है, इसके बारे में थोड़ा सा दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, इसलिए एक बार शेयर कर दीजिएगा और हो सके तो लाइक कर दीजिएगा। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपना भाषा अधिगम एवं अर्जन। चलिए दोस्तों, ये स्टडी 91 में कुछ इन्फॉर्मेशंस दी गई है, आप सभी देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, भाषा अधिगम एवं अर्जन। भाषा अर्जन दोस्तों, सर्वप्रथम हम भाषा किस प्रकार से सीखते हैं, तो आप सभी जानते हैं कि अगर भाषा की बात हो और उस महान आत्मा का नाम न आए जो कि मैं बोलने जा रहा हूँ, आप सभी जानते हैं नॉम चॉम्स्की दोस्तों, यानी कि नॉम चॉम्स्की, मैंने अभी आपको पढ़ाया था कि नॉम चॉम्स्की ने बताया कि दोस्तों भाषा जो सीखने की क्षमता होती है बालक के अंदर, वो भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। जैसे ही बालक जन्म लेता है दोस्तों, उसमें अंदर भाषा सीखने की क्षमता होती है, वो भाषाओं को सीखने लगता है, समझने लगता है, सारी चीज़ें होती है दोस्तों, ठीक है, बोलने का भी प्रयास करता है। तो ये चीज़ है दोस्तों, ठीक है। तो भाषा अर्जन दोस्तों, इस प्रक्रिया के माध्यम से बालक भाषा अपने आसपास के वातावरण, परिवार में रहकर भाषा को सीखता है एवं अर्जन करता है। दोस्तों जो बालक भाषा सीखता है, जो लैंग्वेज सीखता है, वो उसका सबसे पहला इफेक्ट उसका पड़ता है उसकी फैमिली का। किसका? उसकी फैमिली का, यानी कि उसके परिवार का दोस्तों, यानी सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। किसी भी अगर बात की जाए, न केवल भाषा की बात मैं न करूं, बल्कि किसी भी चीज के उसके व्यवहार का, उसके ज्ञान का और उसकी भाषा का, सभी चीज का दोस्तों पहला फर्स्ट स्टेज उसका अगर माना जाए तो होता है कौन है? उसकी फैमिली होती है, उसका परिवार होता है। इसीलिए परिवार में कहा जाता है बड़ों से कि भाई साहब थोड़ा सा सोच समझ के बच्चों के सामने बोलिए, कभी भी बच्चों के सामने अनमोल वचनों का प्रयोग न करें, यानी कि गाली गलौज का प्रयोग न करें, नहीं तो बच्चे दोस्तों नकलची होते हैं। क्या होते हैं? नकलची बंदर होते हैं, आप सभी जानते हैं, हम सभी बंदर के वो हैं, तो नकलची होते हैं वो, बहुत ही जल्दी अनुकरण करके उस भाषा को भी सीख लेंगे जो कि आपको उम्मीद नहीं होगी कि ये भाषा भी बालक सीख सकता है। तो वो चीज़ है दोस्तों, ठीक है। तो इसीलिए तो इस प्रक्रिया के माध्यम से बालक भाषा अपने आसपास के वातावरण, एनवायरमेंट और परिवार में रहकर भाषा को सीखता है एवं अध्ययन करता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, कि बालक दूसरों का अनुकरण, यानी मैंने आपने कहा ना, दूसरों का अनुकरण करके, इमिटेशन करके, नकल करके बहुत ही तीव्र गति से सीखता है, नकल कॉपी करके भाषा को सीखता है। बालक की भाषा अर्जन या सीखने की प्रक्रिया एक प्राकृतिक प्रक्रिया, नेचुरल प्रोसेस है दोस्तों। क्या है? प्राकृतिक प्रक्रिया है। इसके लिए बालक को कोई औपचारिक साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती दोस्तों। अगर आपसे कोई पूछे कि बालक को भाषा सीखने के लिए क्या कोई औपचारिक साधन की आवश्यकता होती है, बिल्कुल नहीं दोस्तों, यह नेचुरल प्रोसेस होता है। और बालक को दोस्तों एक प्रकार की डिवाइस होती है, नॉम चॉम्स्की जी ने बताया था कि बालक के अंदर दोस्तों एक प्रकार की डिवाइस होती है माइंड में, जिसे कहते हैं LAD, यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस दोस्तों, जिसे हिंदी में कहा जाता है भाषा अधिग्रहण यंत्र। क्या कहा जाता है? भाषा अधिग्रहण यंत्र कहा जाता है, भाषा अधिग्रहण यंत्र कहा जाता है। तो दोस्तों ये जो भाषा अधिग्रहण यंत्र होता है, जो प्रारंभ के 5 वर्षों तक, प्रारंभ के 5 वर्षों तक दोस्तों बालक के अंदर बहुत ही तीव्र गति से कार्य करता है, बहुत ही तीव्र गति से कार्य करता है दोस्तों। पर जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है दोस्तों, आयु बढ़ती जाती है, उस तरह से इसकी दोस्तों जो क्षमता होती है वो क्या होती है? क्षमता कम हो जाती है, क्षमता कम हो जाती है दोस्तों। तो जो हमारे बालक होता है दोस्तों, बहुत ही तीव्र गति से हमसे, यानी एक नवयुवक की अपेक्षा, एक नवयुवक की अपेक्षा दोस्तों, एक नवयुवक की अपेक्षा एक बालक जो है बहुत ही तीव्र गति से, जो कि 5 वर्ष का बालक हो, बहुत ही तीव्र गति से किसी भी भाषा को सीख सकता है दोस्तों। जिस भाषा को सीखने में उस बालक को दोस्तों 2 महीने लग सकते हैं, और हमें कितना लगेगा? अगर वही भाषा हम सीखना चाहें दोस्तों, तो शायद हमें दोस्तों 6 से 7 महीने या 8 महीने या 1 वर्ष भी लग सकते हैं। सोचिए ये, तो वो रीजन क्या है, इसका कारण क्या है? कारण यही है कि जो ये LAD डिवाइस होती है दोस्तों, जो डिवाइस होती है लैंग्वेज डिवाइस, जो भाषा अधिग्रहण यंत्र होता है, ये बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होता है और बहुत ही ज़्यादा तीव्र होता है शुरुआत के 5 वर्षों तक,
और ये सभी में होता है, ये गॉड गिफ्टेड होता है। क्या होता है? ये गॉड गिफ्टेड होता है, कोई ऐसा नहीं है दोस्तों, ये गॉड गिफ्टेड होता है कि भाई ऑपरेशन करके निकाल लिया, लगा लिया अपने में, ऐसा नहीं। ये गॉड गिफ्टेड होता है। और दोस्तों धीरे धीरे ये क्षमता क्या होती है, कम होती जाती है, हमें सभी में होती है। ऐसा नहीं कि हमारे अंदर भी है दोस्तों, पर यही है कि उसकी क्षमता क्या होगी, अब थोड़ी सी कम हो गई। क्या हम अगर सीखना चाहें तो दूसरी भाषा नहीं सीख सकते? सीख सकते हैं, पर वही है, उसे सीखने में हमें थोड़ा सा समय ज़्यादा लगेगा। तो ये बात आपकी नॉम चोम्स्की जी ने बताई थी दोस्तों, याद रखिएगा। तो ठीक है, तो वही चीज़ है, ये प्राकृतिक प्रक्रिया है, नेचुरल प्रोसेस है। इसके लिए बालक को कोई भी औपचारिक साधन का प्रयोग नहीं करना पड़ता। चलिए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। बालक को भाषा अर्जन करने की प्रक्रिया बहुत ही सहज, सिंपल और स्वाभाविक, नेचुरल होती है। जो बालक भाषा सीखता है बहुत ही सहज, सरल होती है और सिंपल, साधारण रूप से वो सीखता है। बालक को भाषा सीखने के लिए व्याकरण, ग्रामर की आवश्यकता नहीं होती। पॉइंट नोटेड माय स्टूडेंट, बालक को भाषा सीखने के लिए व्याकरण, ग्रामर की आवश्यकता नहीं होती है। किसी भी बालक, भाई आपको भाषा सीखनी है तो आ बोलना है पहले, आ मौ में आ की मात्रा, माँ, ऐसे बोलो, नहीं, ऐसा नहीं है। कोई भी व्याकरण, कोई भी ग्रामर आपको सीखने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। क्या आपको माँ शब्द, आप सभी जानते हैं कि एक बालक जो होता है सर्वप्रथम एक ही शब्द बोलता है, हर एक व्यक्ति दोस्तों, हर एक व्यक्ति का, क्योंकि दोस्तों कहा जाता है ना, माँ को सेकेंड गॉड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेकेंड गॉड कहा जाता है दोस्तों, जो कि एक ऐसी जादूगर जादूगरनी होती हैं जो हमारी माँ होती हैं, कि हमारे दर्द को दोस्तों हमारी भाषा से ही पहचान जाती हैं कि बच्चा किस प्रकार से बोल रहा है, तो यानी इसको कुछ दुख जरूर है। बस उसकी भाषा से, उसके व्यवहार से ही हमारी माता जी जान जाती हैं। तो ये दोस्तों या तो ईश्वर में के अंदर शक्ति होती है, या तो हमारी माँ के अंदर शक्ति होती है। तो यही चीज़ है। तो हमारे जो शब्द निकलता है, प्रथम शब्द निकलता है, माँ जो शब्द निकलता है दोस्तों, तो क्या हमें इसमें ग्रामर की आवश्यकता होती है कि भाई मौ में आ की मात्रा लगाओ, फिर ऐसे चंद्रविधि, तब बोलो माँ, हाँ, ये हम समझाते हैं बच्चों को? नहीं दोस्तों, वो तुरंत वो अपने आप ही पहला शब्द हमारा निकलता है, तो माँ शब्द निकलता है। तो ये इसमें व्याकरण की, कोई ग्रामर की आवश्यकता नहीं होती, कोई भी इसमें की भाषा सीखने के लिए हमें ग्रामर की आवश्यकता होती है, तो ये चीज याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बालक की भाषा अर्जन व सीखने में सर्वाधिक महत्व उसके परिवार व समाज का होता है, इसलिए ये भाषा औपचारिक परिवेश में अनजाने एवं स्वयं से सीख ली जाती है। तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया कि भाषा सीखने में अगर फर्स्ट बात की जाए तो हमारी होती है क्या, फैमिली, यानी कि हमारा परिवार दोस्तों, और अगर सेकेंड बात किया जाए तो सोसाइटी दोस्तों, यानी कि हमारा समाज। क्या होता है? हमारा समाज। बालक जो होता है दोस्तों समाज से सीखता है। आप कहेंगे सर समाज के अंतर्गत क्या आता है, तो हम बात करें समाज के अंतर्गत, अगर हम बात करें दोस्तों, तो समाज के अंतर्गत आता है हमारा, सबसे पहले दोस्तों समाज की अगर बात की जाए तो सबसे पहले आता है हमारा परिवार। फर्स्ट कौन आता है? हमारा परिवार आता है, फर्स्ट आता है हमारा परिवार। सेकंड आता है हमारा विद्यालय, सेकंड क्या आता है? हमारा विद्यालय आता है दोस्तों। फिर थर्ड आता है यानी हमारा आस पड़ोस, आस पड़ोस के लोग, आस पड़ोस के लोग दोस्तों, उनसे हम सीखते हैं। फिर हमारा क्या आएगा? विद्यालय आएगा। ये चीज है दोस्तों। तो ये सभी हमारे किसके पार्ट हैं? ये सभी हमारे दोस्तों सोसाइटी के पार्ट हैं, समाज के पार्ट। तो बालक सर्वप्रथम अपने फैमिली से तो सीखा है, फिर दोस्तों वो कहाँ, अपने आस पड़ोस के लोगों से सीखता है। किससे? आस पड़ोस के लोग जैसे जैसी भाषा बोल रहे हैं, अगर आस पड़ोस में आपके कोई पंजाबी है तो वो भी पंजाबी बोलना सीख जाएगा, और की हाल है, तो सी, हाँ तो मस्त, ठीक है, मक्के की रोटी, चने का साग, हाँ फेमस। तो ये चीज़ है दोस्तों, वो भी देखेगा, बोलता जाएगा, बच्चों के साथ खेलता है तो वो भी पंजाबी भाषा बोलना सीख जाएगा बहुत ही जल्दी। और विद्यालय में दोस्तों, स्कूल में जब हम जाते हैं, स्कूल में जब हम जाते हैं, कोई बच्चा स्कूल में जाता है तो वहाँ पे तो दोस्तों भाषाओं का, कहते नहीं है, संगम लगा होता है, भाषाओं का पूरा मेला लगा रहता है। कई प्रकार के बच्चे होते हैं, कई प्रकार के, कुछ बच्चे हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, सैके प्रचार धर्म के बच्चे कई भाषाएं बोलते हैं, कोई उर्दू बोल रहा है, कोई पंजाबी, कोई सिख, कोई ईसाई, तो सारी भाषाओं का दोस्तों वहाँ पे एक संगम होता है आपके विद्यालय में। तो वहाँ से भी बालक बहुत ही जल्दी भाषाओं को सीखता है। तो ये चीज़ है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, तो ये भाषा औपचारिक परिवेश यानी इनफॉर्मल एनवायरनमेंट में सीखी जाती है, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है, और स्वयं से सीख ले। बालक की यह एक प्रकार की मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होती है दोस्तों। याद रखिएगा कि जो बालक होता है वह अपनी मातृभाषा में यानी कि अपनी मदर टंग में बहुत ही जल्दी चीज़ों को सीखता है, मदर टंग में दोस्तों बहुत ही जल्दी सीखता है।
जो हमारी मातृभाषा होती है उसे सीखने में हमें बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लगता, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता। जैसे एग्जाम्पल बात अगर हम दोस्तों बात करें, थोड़ा सा उदाहरण की बात करें, तो मातृभाषा से दोस्तों अगर हम हिंदू फैमिली में हैं, अगर हम हिंदू फैमिली में हैं दोस्तों, तो हम क्या बोलेंगे? हिंदी बहुत ही अच्छी बोल लेंगे, हमें हिंदी बोलने में कोई दिक्कत होगी, कोई परेशानी होगी? कभी नहीं दोस्तों। अगर हम पंजाबी फैमिली से हैं, पंजाबी फैमिली से, क्योंकि पंजाबी हिंदी क्या है? हमारी मातृभाषा है। हिंदी क्या है? हमारी मातृभाषा है। तो इस मातृभाषा को बोलने में और समझने में और इसको हमें समझ नहीं लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तुरंत हम इसको दोस्तों सीख जाएंगे। तो ये चीज़ है, और यही पंजाबी है दोस्तों, पर ये हमारी मातृभाषा नहीं है, ये हमारी मातृभाषा नहीं है। इसे सीखने में हमें क्या होगा? इसे हमें सीखने में समय लगेगा, इसको समझने में हमें समय लगेगा। तो वही चीज़ है, एक बालक जो है अपनी मातृभाषा को बहुत ही तीव्र गति से सीख लेता है और बहुत ही जल्दी से समझ जाता है। इसीलिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी RTI 2009 सभी ने कहा कि बालक को जो शिक्षा आप प्रदान करें तो हो सके तो उसकी मातृभाषा में ही शिक्षा प्रदान करें, ठीक है। तो ये चीज़ है दोस्तों, ये बात कही गई, तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है सारी चीज़ें। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट दोस्तों चलते हैं कि मातृभाषा, मदर टंग की बात करते हैं। तो दोस्तों मातृभाषा के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो कहा गया कि मातृभाषा को राष्ट्रीय शिक्षा नीति NAP 2020 के अनुसार और NCF 2005 के द्वारा सबसे महत्वपूर्ण भाषा मानी गई। मैंने आपको कहा ना नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, और इसमें एक चीज़ छूटी है, RTI 2009 राइट टू एजुकेशन 2009 के भी अकॉर्डिंग दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया, जिसमें बालक के अधिगम में कोई कठिनाई न हो। यानी कि जब बालक को आप चीज़ें उसकी मातृभाषा में सिखाएंगे, उसकी लैंग्वेज में आप चीज़ों को बताएंगे, तो वो सीखेगा, बहुत ही तीव्र गति से सीखेगा। ये चीज़ है, बालक को शिक्षा प्रदान उसकी मातृभाषा के द्वारा दिया जाए, ऐसा नेशनल एजुकेशन अनिवार्य कर दिया गया। अब दोस्तों यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अकॉर्डिंग ये कहा गया कि जो बालक को शिक्षण प्रदान किया जाए, जब बालक को कुछ चीज़ें शिक्षण दी जाए, सिखाया जाए, तो वो कैसे हो उसकी मातृभाषा में दिया जाए, यह अनिवार्य कर दिया गया हर एक विद्यालय में, हर एक उसमें, ठीक है दोस्तों, जिससे कि बालक आसानी से चीज़ों को सीख सके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, बालक की मातृभाषा उसके अधिगम में संसाधन रिसोर्स का कार्य करती है दोस्तों, संसाधन का कार्य करती है उसकी मातृभाषा, और कुछ मत करिए। और ये क्वेश्चन कई बार सीटेट में पूछा गया है, ये क्वेश्चन कई बार सीटेट में पूछा गया है, जो उसकी मातृभाषा होती है किसके रूप में कार्य करती है, तो ये संसाधन के रिसोर्सेस के रूप में कार्य करती है, ये याद रखिएगा, न कि दूसरा कुछ मार दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। बालक अपनी मातृभाषा में अपने विचारों को ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लेता है? अभिव्यक्त कर सकता है। जब दोस्तों अपनी मातृभाषा में आप बातों को बहुत ही अच्छे ढंग से सामने, किसी भी व्यक्ति के सामने बहुत ही अच्छे ढंग से प्रत्यक्ष कर सकते हैं दोस्तों, ला सकते हैं, बता सकते हैं, उसके भी विचारों को तो आप समझ सकते हैं, तो ये चीज़ होती है दोस्तों, ठीक है। तो मातृभाषा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं, एक शिक्षक एवं अभिभावक को मातृभाषा को सीमित करने की जगह ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है? प्रोत्साहन देना चाहिए दोस्तों। कुछ होते हैं ना, कहते हैं अरे भाई हिंदी बहुत ही कम बोलिए, ज़्यादातर आप इंग्लिश का प्रयोग करिए। अरे भाई क्यों हम इंग्लिश का प्रयोग करें? हिंदी हमारी मातृभाषा है, हर जगह बोली जाती है, पूरे विश्व में बोली जाती है, तो हम अपनी हिंदी क्यों ना बोलें दोस्तों, तो हिंदी का क्यों ना प्रयोग करें? तो कोई भी अभिभावक है दोस्तों, कोई भी व्यक्ति है, तो हमारी मातृभाषा को उसको प्रोत्साहन देना है। ये नहीं, कई स्कूल्स हैं ऐसे, प्राइवेट स्कूल होते हैं दोस्तों, जहाँ पर ये होता है कि इंग्लिश बोलना अनिवार्य है। भाई इंग्लिश ही बोलना क्यों अनिवार्य है? आप वहाँ पर हिंदी भी बुलाइए, इंग्लिश बुलाइए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप इंग्लिश मत सीखें, पर आप हिंदी का भी बालक को ज्ञान, आपने देखा होगा इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे होते हैं, अगर आप उनसे हिंदी पढ़ाना शुरू कर दीजिए तो उनको दोस्तों पसीने छूटने शुरू हो जाएंगे। तो वो चीज़ पता चला कि आप इंग्लिश सिखाने के चक्कर में अपनी मातृभाषा ही भूल गए उनको सिखाना, तो ये काफ़ी बैड इफेक्ट पड़ता है बच्चों पे। तो ये चीज़ है, तो बालक की मातृभाषा बालक को दूसरी भाषा सीखने में महत्वपूर्ण योगदान देती है। कुछ लोग कहते हैं कि उसकी मातृभाषा नहीं सीखने में योगदान देती, नहीं दोस्तों ऐसा नहीं, कोई भी मातृभाषा हो दोस्तों तो वो हमेशा दूसरी लैंग्वेज सीखने में उसमें योगदान देती है, हेल्प देती है, सहायता देती है, बाधक नहीं साबित होती, ठीक है। ये चीज़ नेक्स्ट चलते हैं, भाषा अधिगम, लैंग्वेज लर्निंग दोस्तों, भाषा अधिगम की बात की जाए तो बालक को भाषा अधिगम में औपचारिक साधनों का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे दूसरी भाषा सीखने के लिए उसे औपचारिक साधनों का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे औपचारिक साधन दोस्तों रिसोर्स हो सकते हैं, कई चीज़ें हो सकते हैं, आप चीज़ों को सुन के दोस्तों
सुन के, पुस्तक के द्वारा, पुस्तकों के द्वारा, वीडियो देख के, कई अब तो साधन हो चुके हैं दोस्तों जिससे आप सीख सकते हैं। किसी व्यक्ति को की वॉइस सुन के, ग्रुप डिस्कशन करके आप चीज़ों को क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, बालक के भाषा अधिगम में नियम और व्याकरण का प्रयोग किया जाता है। जो भाषा अधिगम है दोस्तों, जब बालक सीखता है भाषा, जब सीखता है, याद रखिएगा, जब भाषा सीखता है अधिगम में, तो नियम में और व्याकरण का प्रयोग किया जाता है। जब वो सीखता है तब उसे बताया जाता है, देखो बेटा ये नियम होता है, पहले अ हुआ, आ हुआ, ई हुआ, तो उसके स्वरों का ज्ञान दिया जाता है, व्यंजनों का ज्ञान बताया जाता है कि स्वर, देखो ये स्वर है, ये व्यंजन है, ये चीज़ है, इन सभी चीज़ों का उसे ज्ञान प्रदान किया जाता है, तब उसको ग्रामर की चीज़ें बताई जाती। जब वो क्या करता है, भाषा सीखता है, तब उसके नियम बताए जाते हैं ग्रामर। ये नहीं कि जब भाषा बोलने के लिए उसे शुरू में ही नियम ग्रामर नहीं बताया जाता, जब वो सीखना प्रारंभ करता है तब धीरे धीरे चीज़ों को, बेटा ये छोटा अ है, ये बड़ा आ है, हाँ ये छोटी ई है, ये बड़ी ई है, तो ये ऐसे चीज़ें हम बालक को स्टार्ट करते हैं बताना, तो वो चीज़ है। बालक इस भाषा को द्वितीय भाषा या सेकेंड लैंग्वेज के नाम से भी हम जानते हैं, जैसे संस्कृत हो गई, अंग्रेजी हो गई दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बालक में भाषा का अधिगम विद्यालय से प्रारंभ होता है। सर्वप्रथम जो भाषा वो सीखता है तो कहाँ से सीखता है, अपने स्कूल से सीखता है। जो विद्यालय सीखने का प्रारंभ होता है दोस्तों, सीखने की जो शुरुआत होती है, घर से तो सीखता ही है, पर जो नियम है, ग्रामर है, ये सारी चीज़ें वो कहाँ से सीखता है, विद्यालय से सीखना उसका प्रारंभ होता है। स्कूल से हम सभी सीखते थे, मास्टर साहब हम लोग को सिखाते थे वो चीज़। बालक को भाषा अधिगम में बहुत ही प्रयास, इफोर्ट करना पड़ता है। तो बालक को दोस्तों जो भाषा अधिगम है, जो भाषा चीज़ों को सीखना होता है, भाषा को सीखने के लिए बहुत ही ज़्यादा उसको क्या करना पड़ता है, पहले शुरुआती समय में उसको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती, हमें भी करनी पड़ती थी। बालक के अधिगम में शिक्षक, विद्यालय, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकें, शिक्षण पद्धतियाँ आदि को क्रु भूमिका होती है। इन सब की दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एक तो आपको बहुत ही अच्छा टीचर होना चाहिए, बहुत ही अच्छा आपका विद्यालय हो, पाठ्यक्रम बहुत अच्छा हो, पाठ्यपुस्तकें जो हो वो बालक के ही अकॉर्डिंग हो, बहुत ही दोस्तों कठिन नहीं होना चाहिए, लचीलापन होना चाहिए। आपके नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और दोस्तों RTA 2009 के अनुसार जो हमारा पाठ्यक्रम होना चाहिए क्या होता है, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, यानी बहुत ही टफ है, बच्चे के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा वो हो जाए, आप कठिन बना दीजिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ है दोस्तों। नेक्स्ट है, ये स्टडी 91 में दोस्तों कुछ पुस्तकें हैं, आप सभी देख सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं दोस्तों भाषा कौशल, लैंग्वेज स्किल की बात करें तो दोस्तों भाषा कौशल में एक होता है अभिव्यक्तात्मक कौशल, दूसरा होता है ग्रहणात्मक कौशल। क्या होता है, ग्रहणात्मक कौशल और अभिव्यक्तात्मक कौशल। प्रोडक्टिव स्किल होता है दोस्तों, रिसेप्टिव स्किल होता है। तो जो अभिव्यक्तात्मक कौशल होता है दोस्तों, उसमें हम बोलने के साथ साथ दोस्तों लिखते भी हैं, वाचन कौशल के साथ साथ हमने लिखना भी दोस्तों हम लोग वो होता है कि हाँ भाई बोल रहे हैं और लिखते भी, और यहाँ पे क्या है, सुनने के साथ साथ हम पढ़ रहे, पठन कौशल भी होता है दोस्तों। तो अभिव्यक्तात्मक कौशल में आपका वाचन कौशल हो गया, लेखन कौशल हो गया, श्रवण कौशल हो गया, और पठन कौशल हो गया, यानी कि पढ़ना। तो ये चारों कौशल दोस्तों, चारों जो स्किल होती हैं, जैसे बोलना, लिखना, पढ़ना और सुनना, ये भाषा को सीखने में बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। किसी भी भाषा को सीखने पर पहले हम भाषा क्या करते हैं दोस्तों, भाषा को हम सुनते हैं, क्या करते हैं, सुनते हैं भाषा को। जो सुनना हमने दोस्तों स्टार्ट किया, फिर पहले हम क्या करते हैं, बोलना प्रारंभ करते हैं। भाषा को हम क्या करते हैं, पहले बोलना प्रारंभ करते हैं दोस्तों। ठीक है, हमने क्या किया, बोलना प्रारंभ किया, उसके बाद जैसे हमने सुना, फिर उसके बाद हमने बोलना प्रारंभ किया, उसके बाद हम दोस्तों क्या करते हैं, पढ़ना प्रारंभ करते हैं। क्या करते हैं, पढ़ना प्रारंभ करते हैं, फिर लास्ट में हम लिखना प्रारंभ करते हैं दोस्तों। फिर क्या करते हैं, लिखना प्रारंभ करते हैं। ये स्टेप चलता है दोस्तों धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप। जब हम बचपन में ही चीज़ें होती ना, फिर पहले हम लोग सुनते थे, फिर उसके बाद बोलना शुरू किया कि हाँ यार ऐसे बोला जाता है वो चीज़, फिर धीरे धीरे सुनना, फिर पढ़ा, फिर हम लिखना स्टार्ट। तो ये स्किल्स होती हैं लैंग्वेज सीखने की दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है, और हम लोग बोल बोल के लिखा करते थे दोस्तों ना कि भाई लिखो। बालक की भाषा शिक्षण के लिए चारों कौशल बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। परस्पर यह एक दूसरे से क्या होते हैं, अंतर संबंधित होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं। ये चारों कौशल दोस्तों आपस में एक संबंधित होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बालक में भाषा के ये चारों कौशल क्रम सीक्वेंस में नहीं सीखता, बल्कि सभी एक साथ हुआ क्या करते हैं, सीखा जाता है।
बच्चा सुनने के साथ साथ बोलना भी सीखता है, सुनने के साथ साथ क्या करता है दोस्तों, बोलना भी सीखता है। वही चीज मैंने आपको कहा, पहले आप भाषा को क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं, फिर साथ में आपने बोलना भी प्रारंभ किया, और पढ़ने के साथ साथ आप उसे क्या करते हैं, लिखना भी प्रारंभ आप स्टार्ट कर देते हैं। तो ये स्किल्स जो होती है दोस्तों, ये एक दूसरे से क्या होती है, अंतर संबंधित होती है, कि भाई हम सुनने के साथ बालक बोलना शुरू कर देता है और पढ़ने के साथ बालक लिखना भी शुरू कर देता है, ये चीज है दोस्तों। ठीक है, अब रीडिंग टाइप बताएं, स्कीमिंग के बारे में बताते हैं दोस्तों। पाठक पाठ सामग्री का केंद्रीय भाव तथा सार खोजने के लिए अधिक तेजी से पढ़ता है और वह लेखक के उद्देश्य तथा लिखने की व्यवस्था को समझाना चाहता है, तो यह प्रक्रिया स्कीमिंग के अंतर्गत आती है। स्कीमिंग इन द सेंस दोस्तों, जो पाठक होता है, जो पढ़ने वाला होता है दोस्तों, वो पाठ सामग्री को केंद्रीय भाव तथा सार को खोजने के लिए, कि सार क्या है, इसका लेशन का सार क्या है, सार को खोजने के लिए बहुत ही तेजी से पढ़ता है, बहुत तीव्र गति से पढ़ेगा, और वो लेखक के उद्देश्य तथा लिखने की व्यवस्था को समझाना चाहता है, तो यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, स्कीमिंग कहलाती है दोस्तों। उसको कि किसका इस कोई भी पुस्तक आप पढ़ रहे हैं, उसका सार जानने के लिए और इसका उद्देश्य क्या है जानने के लिए, वही क्या कहलाता है, स्कीमिंग कहलाता है दोस्तों, स्कीमिंग रीडिंग। ठीक है, नेक्स्ट है स्कैनिंग। स्कैनिंग रीडिंग की बात की जाए, स्कैनिंग रीडिंग का तात्पर्य यह होता है कि पाठक विशेष जानकारी कब प्राप्त करने के लिए वाक्यों को जल्दी से पार कर जाता है, गद्यांश पैराग्राफ से उत्तर प्राप्त करना। जैसे दोस्तों जब स्कैनिंग करना, जैसे हमें क्या होता है, आप गद्यांश आपने पढ़ा होगा, गद्यांश आप सभी ने किया होगा, कि उस गद्यांश से हमें गलत सही उत्तर पता करना है, कि गलत उत्तर क्या है और सही उत्तर क्या है, सही उत्तर का हमें पता करना होता है, कि सही उत्तर क्या है, प्रश्न दिया जाएगा और उसका हमें सही उत्तर प्राप्त करना होता है, कि हाँ ये प्रश्न पूछा गया कि भाई कबीरदास जी का जन्म कब हुआ था। अब उस गद्यांश को आप पढ़िए, स्कैनिंग करिए कि उसमें कब दिया गया है कि कबीरदास जी का जन्म कब हुआ था। तो जब आप उसमें स्कैनिंग करेंगे, चीजों को पढ़ेंगे, विशेष रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे, तभी आप उसका आंसर दे पाएंगे, नहीं तो नहीं दे पाएंगे। तो वही चीज क्या कहलाती है, स्कैनिंग कहलाती है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, गहन पठन। बात करें अगर गहन पठन की दोस्तों, गहन पठन नाम से ही पता चलता है कि गहन पठन में बारीकी से और समय लेकर टाइम टेबल पढ़ा जाता है। यह पाठक को प्रत्येक शब्द का अर्थ समझना, गहन पठन यानी कि गहनता से पढ़ना दोस्तों, एकदम समय लेके, क्या कहते हैं, समय लेकर चीजों को एकदम अपने माइंड में ये करना कि हाँ भाई कोई भी चीज अगर आपसे पूछी जाए तो उस शब्द का आप क्या करते हैं, व्याख्या भी कर सके कि भाई ये बताओ कि इस शब्द का क्या अर्थ होगा, तो वो व्याख्या कर सके, अर्थ बता सके, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, गहन पठन करना लगे, गहन अध्ययन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, गहन अध्ययन करना पड़ेगा, तभी दोस्तों नाम से ही पता चल रहा है, एकदम एकदम काक चेष्टा बको ध्यानम, वही वाला एकदम ध्यान लगा के पढ़ना पड़ेगा चीजों को, तभी हम आंसर दे पाएंगे, अन्यथा हम आंसर नहीं दे पाएंगे। तो ये चीजें होनी चाहिए आपके अंदर। ठीक है, तो ये है दोस्तों, प्रत्येक शब्द का अर्थ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, और तीसरे अभ्यास की बात करें तो इसमें बालक पठन धारा प्रवाह पर अधिक बल देता है और सटीकता से पर कम बल देता है दोस्तों। ठीक है, ये अतिशय अभ्यास होता है। नेक्स्ट चलते हैं, लेखन की प्रक्रिया उपागम बात करें, प्रक्रिया उपागम अंतर्गत बच्चों में लेखन कौशल के विकास के लिए लेखन की प्रक्रिया उपागम सहायक होती है। इसमें बच्चे क्रमबद्ध तरीके से सीखते हुए लेखन कौशल में क्या होते हैं, दक्ष बनते हैं दोस्तों। ठीक है, निपुण बनते हैं। चलिए, इसमें बालक लिखने के द्वारा लिखना सीखना कह सकते हैं, जैसे निबंध लिखना, पत्र लिखना, इमला लिखना, हम सभी दोस्तों जब लिखना सीखते थे, आपको मालूम होगा हम लोग के सर निबंध बोलते थे, चलो बेटा निबंध लिखो, सबसे ज्यादा निबंध हम लोगों ने लिखा होगा, किस पे लिखा होगा, गाय पे ना, गाय पे निबंध लिखो, तुरंत गाय पे निबंध लिखा जाता था। तो और फिर पत्र लिखा जाता था, यानी कि भाई आपको छुट्टी लेने के लिए प्रिंसिपल साहब को, यानी प्राचार्य को एक पत्र लिखना है जल्दी से, ये बहुत ही प्रैक्टिस हम लोग को कराई जाती थी। तो इससे क्या होता था, हमारा लेखन कौशल बहुत ही ज्यादा तीव्र होता था दोस्तों। ठीक है, लेखन की प्रक्रिया को आगम का मंथन करना, विचार विमर्श करना, तब जाके हम लिख पाते थे। प्रारूप लिखने का, प्रारूप प्लस हमें जानकारियां होनी चाहिए थी, दोहराना और उसके बाद संपादन करना दोस्तों। ठीक है, ये लेखन प्रक्रिया का उपागम होता था। कक्षा में बहुभाषिकता, मल्टीग्रेड दोस्तों, कक्षा में बहुभाषिकता होती है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान दीजिएगा। बहुभाषिकता बालक के अधिगम में किसका कार्य करती है, रिसोर्स का काम करती है, संसाधन का, न कि कठिनाई होती है। बहुभाषिकता बहुत इंपॉर्टेंट, इससे एग्जाम में बहुत ही क्वेश्चन पूछा जाता है सीटेट में। ठीक है, तो बहुभाषिकता संसाधन का रूप में कार्य करती है, बालक अपनी मातृभाषा से प्रारंभ करता है और उसके बाद वो कई भाषाएं अदर लैंग्वेज सीख जाता है। तो वो कहाँ पे, विद्यालय में सीखता है चीजें, ये चीजें कहाँ सीखता है दोस्तों, वह विद्यालय में ये चीजें सीखता है।
कई भाषाओं का संगम वहाँ पे होता है, हिंदी, उर्दू, संस्कृत, सारी चीज़ों को सीखता है। तो बहुभाषिकता उसके लिए अच्छी है दोस्तों, एक संसाधन का कार्य, वो भाषाओं को का ज्ञान होता है उसे। तो बालक के शब्द भंडार में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो बहुभाषिकता बहुत इंपॉर्टेंट है संसाधन का कार्य, इसमें बालक में सांस्कृतिक कल्चर का भी आदान प्रदान होता है, संस्कृति का भी उसका आदान प्रदान होता है, भाषाओं और संस्कृतियों का सम्मान भी वह करता है, हर एक प्रत्येक भाषा का, प्रत्येक संस्कृति का, प्रत्येक उसका क्या करता है, वह सम्मान करता है। तो ये चीज होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, ये आपका स्टडी 91 में दोस्तों कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, आप सभी देख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी दोस्तों, कल फिर मिलेंगे बहुत इंपॉर्टेंट क्लास के साथ, तब तक राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, चलिए थैंक यू सो मच।